दोस्तों इस वीडियो में पुलिस भी रियल है, आरोपी भी रियल है और इस वीडियो में दुर्ग के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लवा जी के द्वारा ये दिखाया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह से लोग करते हैं और किस तरह से लोग फंसते हैं। पहले आपसे किसी न किसी स्कीम को लेके कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको उसमें बड़ा फायदा दिलाने के नाम पे पहले थोड़े पैसे लेते हैं। इस तरह से धीरे 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 कई बार ये लोग अलग अलग तरीके से आपसे पैसे लेते हैं और एक बड़ा रकम जब हो जाता है तो ये लोग आपसे कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं। इस वीडियो में एयरटेल का टावर लगाने के नाम पे किस तरह से करोड़ों रुपए की ठगी लोगों से की गई है ये पूरा वीडियो दिखाया गया है। इसमें ठगी करने वाले लोग किस तरह से कॉल करते हैं और ठगी का शिकार लोग कैसे होते हैं, इसका पूरा डेमो आपको दिखाया गया है। इस वीडियो को आप जरूर देखें जिससे आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है और आप इससे बच पाएंगे। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10x10 फीट की खाली जमीन है जो आप किराए में देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफी किसान हैं, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली जमीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के? मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। आपको पहला तो हर महीने भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए वहीं पे उसी टावर में। जी सर, और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर से दिया जाएगा। 15 लाख? जी सर। कितना जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10x10 फीट। 10x10 फीट का? और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों को नुकसान तो नहीं होगा? रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं होगा? आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ, तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं, अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी जमीन सिलेक्ट हो जाती तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और जमीन का डॉक्यूमेंट्स। तो कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना होगा फोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी जमीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर लेना। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे, मेरे पिताजी हैं उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आप इसी नंबर में हाई लिख के भेज दीजिए, आप उसे डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट, सीनियर डिपार्टमेंट में पकड़ा हुआ है। ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मेरे डॉक्यूमेंट आपको, फिर क्या होगा? हेलो जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास जमीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगा, या फिर आपका जमीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया। कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन? सर 2 दिन का प्रोसेस है। ठीक है, 2 दिन के बाद आपकी तरफ से फोन आएगा, मुझे करना पड़ेगा, आप कॉल करें। धन्यवाद। 2 दिन बाद फिर कॉल। हेलो जी सर, आपका जमीन सिलेक्ट हो गया है, इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,000 रुपये। कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा सर? उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। 10,260 रुपये आपको अकाउंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। 10,260 कैसे डालना है सर? आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके, रेफर डल गया फिर? उसके बाद डॉक्यूमेंट्स तो ये डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात करेगा। ओके, जिस नंबर पर फोन करेगा वो बात होगी ही। आप 10,260 लेके रुक जाते थे, उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे उसमें कोई दूसरा? जाओ बेटा इधर आओ। मार ठग, आप बताओ ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया, उसके सेकंड लेवल पे कौन लुटता था? गोपाल कंडा करके था। गोपाल कंडा करके था, वो क्या करता था? तो इसके बाद वो प्रोसेसिंग था। प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? बैंकिंग चार्ज। चलो फोन दो उसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। हेलो, जमा कर दिया मेरे 10,260 रुपये, आगे कुछ हो ही नहीं रहा आपका? अरे काम आपको जो है वो सीनियर लोग कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे, 10 दिन हो गया कॉल ही नहीं किया अभी तक। 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग? उनसे मैं बात करते हुए आपको कंफर्म करता हूँ सर, ऐसे एनओसी चार्ज आपको देना पड़ेगा। अरे अभी 10,260 लिया है तुमने, अभी एनओसी चार्ज को पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का?
कहाँ से बोल रहे हो तुम? कलकत्ता से बोल रहे हो? ये एनओसी चार्ज कितना है? यूपी अकाउंट जमा करना है? जी सर, सेम। तो जमा कर दिया फिर सत्तर हजार दो साठ जमा, इसके बाद फिर उसके बाद बैंकिंग से दूसरा कॉल करो। हेलो, बैंकिंग डिपार्टमेंट से? कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? कोलकाता। अरे तुमने जमा कर दिया, तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? मिल जाएगा सर, डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार? डेढ़ महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000-17,000 दो बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। बोलो सही आदमी हो, फ्रॉड आदमी हो? तो कब तक आएगा? आप खुद कोई फोन करोगे 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा। फिर कैसा बैंकिंग चार्ज है? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो कंफर्म होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? ₹30। अरे यदि इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आकर तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा। जमा कर लूट लिया तुमने, और फिर आधी फोन करेगा तो हेलो आप, मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का 60 नहीं हुआ, 15 लाख जो आने थे मुझे। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, किसी को ऐसा मिलेगा? आपका देखो पहले कोई बात करता है, फिर कोई दूसरा बात करता है, कोई तीसरा बात करता है, अलग अलग लोग बात करते हैं, अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? अरे प्रॉफिट होगा, निकलेगा क्या उस प्रॉफिट से? जो 15 लाख जैसे वसूल लिया तुमने, सपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया? जिन आए थे क्या उसमें से लेने के लिए? क्योंकि देखा पहले छोटा अमाउंट मांगते हैं, वो देने के बाद फिर एक और बड़ा अमाउंट, फिर एक अमाउंट, फिर एक अमाउंट, वो बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि ये ठग पूरे मॉडस ऑपरेंडी को जानते हैं, इसलिए कितनी उन्होंने कौन कौन सी ठगी की है ये सब मानते नहीं है, जिससे कि ये कॉम्प्रोमाइज करके बारे पैसा दे के उस केस से निकल सके। इनके द्वारा सैकड़ों ठगी की होगी, कई 1,000 से ज़्यादा ठगी करने का अनुमान है। एक ठगी का एवरेज यदि हम एक इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं वो 10,000 भी माने, तो 1,000 ठगी का मानेंगे तो कम से कम इनके द्वारा जो है हाँ 1 करोड़ हो गए। कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा भी दिया होगा, तो करोड़ों की ठगी इनके द्वारा की जा चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं एवरेज देखेंगे तो 1,60,000, 1,90,000, 1,38,000, 1,21 लाख, 1,35 लाख। तो यदि एवरेज हम 1 लाख का मानेंगे, 1,000 उन्होंने ठगी किया है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी इनके गिरोह द्वारा किया जा चुका है। ये लोग भी डायरी मेंटेन करते हैं, सब जब्ती हुआ है। आप सोच सकते हैं यदि 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है, 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है और 10,000 भी सैलरी दे रहे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए तो केवल सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज को। यदि 10 महीने इन्होंने सैलरी दी है तो 22 लाख तो सैलरी दे दी इन्होंने टावर लगाने के नाम पे। भाई लेते तो सीधे आपको अकाउंट नंबर दे दिया, अकाउंट नंबर का गूगल पे से दे दो, फोन पे से दे दो, पेटीएम से दे दो, सीधा जाकर नेफ्ट करवा दो, ऑनलाइन लेते थे वो। इसका पीसी करने का उद्देश्य ये था कि जनता जो है ठगी के मॉड्यूल को समझे, क्योंकि टावर लगाने के नाम पे बहुत बड़ी ठगी देश भर में चल रही है। ज्यादातर जो किसान है वो इसकी ठगी के शिकार होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे जमीनें लोगों के पास काफ़ी है, तो उनको टावर लगाने के नाम पे इस तरह से ठगी हो रही है। जैसा ये बताया कि पैसा कभी नहीं देना चाहिए, वो आपसे जमीन लेना चाहते हैं तो उनको सब चीज़ ऑनलाइन ना करें, उनको बुलाएं फील्ड विजिट के लिए, सामने वो आए। जैसा उन्होंने बताया कि हमेशा बड़ी कंपनियाँ फील्ड विजिट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को घर भेजती हैं,
तो घर बुलाएं उनको, उनसे लिखित में लें, उनसे पहले आप चेक लें, उसको बैंक में डालें, फिर यदि वो कुछ पैसा मांगे तो उसको दे सकते हैं। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके किसी को एस्केलेट ना करें।